राजधानी लखनऊ के श्रीराम टावर में किया व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग। व्यापार मंडल के बैनर तले सभी व्यापारियों ने की दुकानें बंद। व्यापारियों ने लगाया 8 जनवरी को दिल्ली चलोगे नारे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं नीरज जौहर, उत्तर प्रदेश मोबाइल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और लखनऊ मोबाइल एसोसिएशन। नीरज जी, आज दुकानें बंद कर की जा रही, क्या मांग है, किस वजह से प्रदर्शन चल रहा है? अच्छा, आज श्रीराम टावर मोबाइल मार्केट में हम लोगों ने आगाज किया है। आगामी 8 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ी विशाल मोबाइल रिटेल एसोसिएशन की एक विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार के कई मंत्री भी शामिल हो रहे हैं और हमारी ऑनलाइन के खिलाफ एक ये लड़ाई है जो गलत नीतियों का पालन करके हमारे व्यापार को प्रभावित कर रही है। क्या नुकसान इससे ऑनलाइन से होगा? ऑनलाइन से हमें कोई डर नहीं है, ऑनलाइन से हम कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन से जो गलत नीतियों के कारण गलत डिस्काउंट तरीके से देना और गलत रेटों पे बेचना, गलत माल बेचना, डुप्लीकेट माल बेचना, इन सब चीज़ों से देश की जनता का नुकसान हो रहा है, देश की जनता ठगी जा रही है। गवर्नमेंट इसको, सरकार समझ नहीं पा रही है, सरकार अमेरिका की दबाव में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ये हम लोगों की डिमांड है कि पहले इस देश को समझें, इस देश के परिप्रेक्ष्य को समझें कि भारत में क्या ऑनलाइन का व्यापार जरूरी है। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश के अंदर क्या जरूरी है कि ऑनलाइन के व्यापार को बढ़ावा दे जाए? इतना बेरोजगारी बढ़ेगी, इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी कि लोग एक दूसरे को काटेंगे। ये मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से अपील करूंगा। हम लोग स्विट्ज़रलैंड में नहीं रहते जहाँ 80 लाख की आबादी है, हम लोग 130 करोड़ की देश की आबादी में रहते हैं जहाँ पे रोजगार जरूरी है। ऑनलाइन से बेरोजगारी बहुत बढ़ेगी और आज की डेट में मोबाइल का व्यापार आधा रह गया है और भी कई ट्रेड आधे रह गए हैं। कितना घाटा हो जाता है इस ऑनलाइन की? ये घाटा और नफे का मैटर नहीं है, ये व्यापार घटने और बढ़ने का मैटर है। इसमें जो है हम लोग का व्यापार, जो हम लोग पहले 1 करोड़ रुपए का धंधा कर महीने में करते थे, वो अब 40 लाख रुपए का धंधा रह गया। तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, सरकार कौन इसकी पैरवी करेगी? ये हम लोगों को, हमारे खर्चे वही हैं, हमारे बिजली पानी हर तरह का किराया, ये सब खर्चे हैं, सरकार को इन सब देखना है। ऑनलाइन के पास कोई खर्चा नहीं, वो लोग केवल अपने डिलीवरी के माध्यम से डिलीवरी करा देते हैं। व्यापारी कहाँ जाएगा, इसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। ठीक। लखनऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट।